लिहाजा मैंने सजेस्ट किया था स्पेशल कमेटी बनाए, उस वक्त नहीं बनी। फिर जिस वक्त इस हाउस पे अटैक किया गया, आपने जनाब स्पीकर तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक की और आपने कहा जनाब के आईजी पंजाब जो है वो इस चीज से इनकारी है। मैंने कहा जनाब स्पीकर झूठ बोल रहे हैं, और आपने फिर कहा कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा। फजर के टाइम का तकरीबन 5:15-5:30 बजे आपका मैसेज मेरे फोन पे आया हुआ था जनाब स्पीकर, और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। आपने कहा वो घर पहुंच गई हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया का क्या काम सियासत से, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो घरेलू खातून है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं दो, उनके वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब कॉलीग रह चुके हैं राजा साहब के और नवीद कमर साहब के, नहायत ही पोलाइट शरीफ शख्स, एक साल से वो जेल में बैठे हुए हैं, उनके घरों पे रेड होते हैं। यहां पे जनाब स्पीकर हमारे एक दूसरे साथी हैं एमएनए मिकदाद अली खान साहब, वो ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, और उनको इन्फोर्स डिसिपियर्ड पर्सन बना दिया जाता है। गाड़ी आती है, इंटरसेप्ट करती है, उनको उठा के लेके जाते हैं, कोई पता नहीं कहां पे। हमारे इसी हाउस के मेंबर हैं एडवोकेट शफकत अवान साहब, उनके घर में जाके तोड़फोड़ की जाती है। सत्यम जरीफी, ये जनाब स्पीकर वहां पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, और पुलिस के अहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस लोग वीडियो चीजें तोड़ो, वीडियो बनाओ और ऊपर भेजो। जनाब स्पीकर, उसामा मेला साहब इसी हाउस के मेंबर, उनके वालिद साहब हमारे साथ मेंबर रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान गुलजार करे। जनाब स्पीकर, उनके घर पे उनका बिजनेस टोटली बंद कर दिया गया है। रियाज फत्याना साहब की, वो इस हाउस के मेंबर हैं, उनकी अहलिया भी सूबाई असेंबली की मेंबर है, उनके बेटे को इन्फोर्स डिसिपियर्ड पर्सन बनाया गया दो बार। जनाब स्पीकर, हमारे साथी हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के एडवोकेट हैं इंतजार पंजोता साहब, इन्फोर्स डिसिपियर्ड पर्सन, आठवां दिन है कोई पता। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप ये देखें कि वजीर आजम इमरान खान साहब बानी चेयरमैन है हमारे पार्टी के, मशवरा करना पड़ता है, हुकूमत उन तक एक्सेस नहीं देती है, हुकूमत के पास नंबर्स है नहीं, डंडा लेके केसेस बोगस में मुलवस करना, लोगों को जदकौप करना। आज भी साईं खुर्शीद शाह साहब यहां पे मौजूद हैं, ये स्पेशल कमेटी के हेड हैं। मैंने कमेटी मीटिंग से पहले भी खुर्शीद शाह साहब को यही बात सारी दास्तान सुनाई, और मैंने और इन्होंने बड़े तहम्मुल से कमेटी में भी बात हमें करने दी, और इन्होंने सुनी भी। तकरीबन आठवां हमारा सेशन आज हुआ कमेटी का, हुकूमत ने जाके अल्लाह अल्लाह करके परसों जो है सबसे पहले ड्राफ्ट अपना दिया, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। पर जनाब स्पीकर, बात यह है कि मैंने वहां पे भी चेयर से यानी कि खुर्शीद शाह साहब के जरिए गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारड़ साहब, यहां पे मौजूद नहीं है, उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है, या आप खुद करा रहे हैं, इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, और ये आप डिनाई कर रहे हैं कि आप लोगों की लॉयल्टीज को चेंज करने के लिए इस वक्त, ये जुनेद अकबर खान साहब अभी थोड़ी देर पहले यहां पे थे, इन्होंने मीडिया में यह बात की है, ऑफर्स लग रही हैं 1-1 अरब रुपए की जनाब स्पीकर, और यह कि दुनिया के किसी जगह में
किसी करेंसी में पाकिस्तान में चाहिए या बाहर आपको नकद अमाउंट दे सकते हैं। ये हालात है इस वक्त, ये शेमफुल हालात नहीं तो और क्या। डेमोक्रेसी फॉर सेल, यहां पे कहीं पे बाहर एक निशान ले दें, लगा दें, लूट सेल। जब ये हालात होते हैं जनाब स्पीकर, क्या माजी से ये नहीं सीखते। 25 साल से ज्यादा मेरे अमली सियासत में हुए हैं, वालिद साहब के साथ रहा हूं, बाकी देखें आपके जनाब स्पीकर, हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, क्या हम लोग अभी तक नहीं सीख रहे। और वो लिमिट्स, एक लिमिट होती थी, वो लिमिट्स जो है वो पार कर दी गई है, तहस नहस करके रख दी है। जब लोगों के घरों में आप जाके, मैं तो उसको दहशतगर्दी कहूंगा, दहशतगर्दी से काम तो है नहीं, मतलब ये हालात है, इंसान के रोंडे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये लोग जो कर रहे हैं, या हमें क्लियर कट बताया जाए, या लॉ मिनिस्टर आके यहां पे बोले और कहे कि या वो इस चीज का इतराफ करें कि वो कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं। और या अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को भी नहीं हुए, उठ खड़े हुए और उठ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। वजीर आजम इमरान खान इस हाउस का इंशाल्लाह वजीर आजम बनेगा, ये आप याद रखिएगा जी। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं बात अभी मुकम्मल कर लूं जी, आखिरी 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। जनाब स्पीकर, ये आईनी तरमीम के हवाले से अभी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। 18वीं तरमीम जिस वक्त हुई थी, यहीं पे 18वीं तरमीम में इन साथियों ने पार्टिसिपेट किया था, तकरीबन 102 तरामीम थी और उसमें जनाब स्पीकर 9 से 10 महीने लगे थे। हुकूमत का एक उड़ता उड़ता ड्राफ्ट जो आया, उसका जनाब स्पीकर पहला ड्राफ्ट आया, उस पर 62 अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स में, उसके बाद 56 और आज जो आया है उस पर 23 है। और चाहते क्या है ये कि बजाय उस पे कि कमिटी जो है वो अपना माइंड अप्लाई करे कि वो तेज गाम लगा के घंटों में उसको पास करें। ये स्पेशल कमिटी जनाब स्पीकर, मैं फिर रिपीट करता हूं, खुर्शीद शाह साहब हेड कर रहे हैं और इसका काम है जो अभी मैंने आपको ये सारे केसेस बताए हैं जो हमारे मेंबर्स के साथ हो रहे हैं, उसके ऊपर ये काम करे, उसके ऊपर उसकी खोज लगाए कि ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसका सदबाब करना, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बैठे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करना या डिलिब्रेशन एक सेपरेट कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस मौजूद है, वहां पे वो बातचीत करें। और यहां पे जनाब स्पीकर इस चीज को पुश करना जल्दी किस चीज की है, इस आईन साजी के एक एक चीज पे आने वाली कई नस्लें जो हैं वो मुतासर होती हैं। जल्दबाजी किसकी, 2 महीने लगा ले, 3 महीने लगा ले, कौन सा फाइनेंस बिल है कि आपने बजट का, जो फाइनेंस बिल है कि आपका कट ऑफ डेट है 30 जून के बाद आपका बजट ना अप्रूव हो तो तनख्वाहें लोगों को नहीं मिलेंगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंपैक्ट करती है। आप अंदाजा ले, ये लगा लें जनाब स्पीकर कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर यह चर्चा चला था सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम लोग ये बनाना चाहते हैं कि आपका 60,000 केसेस पेंडिंग है टोटल। बैरिस्टर गौर साहब ने चेक कराया था, मेरे ख्याल है कितने केसेस थे बैरिस्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल, 148 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 148। तो 60,000 से एक तो 148 आप मिन्हा कर लें, उसके लिए एक पूरी आप कोर्ट बनाना चाह रहे थे। ये किसको डिसीव करना चाह रहे हैं जनाब स्पीकर कि जी बड़ा जरूरी है, हमें बताया गया कि आईनी कोर्ट, आईनी अदालत बनेगी, उस पे केसेस सुने जाएंगे और दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी पाकिस्तान में।
खुदारा वो 148 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो वो तकरीबन 59,000 और 800 एंड सम जो केसेस हैं उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कोई आईनी तरमीम नहीं है, उसके बारे में कोई आप जुडिशरी को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, आप प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स को नहीं एम्पावर कर रहे हैं, नहीं उसके बारे में कोई सोच नहीं। सोच है एक नैरो फोकस के साथ और वो इनके मेंबरान को भी नहीं पता क्या हो रहा है। जब हम लोग उस कमेटी में बैठ के बात करते थे, हम लोग पूछते थे तो उनके पास जनाब स्पीकर कोई सवाल ही नहीं होता था, आए बाएं होती रही है, कोई मसवदा कोई चीज नहीं। आखिर में मैं यहां पे मैं ये बात जरूर करूंगा जनाब स्पीकर के अवामी नेशनल पार्टी ने एक हर एक पार्टी का एक हक होता है वो अपनी तरमीम लाए, चाहे प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए हो चाहे किसी और बिल के जरिए हो, जरूर लाए या उनके पास मेजॉरिटी है तो। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जिससे मेरा ताल्लुक है और यहां पे हम लोग 3-4 लोग यहां पे मौजूद हैं और भी साथी हैं यहां पे गवर्नमेंट के ट्रेजरी के बेंचेस के साथी हैं यहां पे जनाब वाला, वो नाम खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर तब्दील करना चाहते हैं। उससे हम नई अग्रीमेंट में और मुझे अक्रॉस द बोर्ड, मुझे खुद PMLN के मेंबर्स ने कॉल की, मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉल की और उन्होंने कहा, PTI का तो हमारा है ही है, उन्होंने कहा उमर अय्यूब ये बात आपने जरूर उठानी है और वहां पे मैंने ये बात उठाई है उस कमेटी में, मैंने उस पर आज पब्लिक स्टेटमेंट भी दी है। खुदारा या अवामी नेशनल पार्टी के लीडर और वो लोग अपनी विलेज काउंसिल की सीट भी नहीं जीत सकते हैं तो आपकी डूबती हुई सियासत आप ऐसी गिमिक्री के साथ आप नहीं कर सकते हैं। खैबर एक हिस्सा है KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का, और सारी जगह जो है डेरा जात, डेरा इस्माइल खान, चित्राल, हजारा, सारों की रिप्रेजेंटेशन है। खुदारा डिवाइसिव ना बने, इंक्लूसिव बने, इंक्लूसिवनेस होगी तो मुल्क आगे चलेगा। आखिर में जनाब स्पीकर मैं यही बात करूंगा कि जो केसेस हमारे लोगों पे, जो इस फैशिस्ट गवर्नमेंट बना रही है, जो वजीर आजम इमरान खान साहब को जिस तरह जेल में गलत फिक्टिशियस केसेस में लगा के मुब्तला करके उनको रखा हुआ है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और इस मुल्क की यहां पे सिर्फ एक तरीकाकार है, ये मुल्क तरक्की करेगा वो सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जिस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। मुख्तलिफ डेलीगेशन आए, सारों ने एक ही बात की है, इनफॉर्मली हमसे आउटरीच करते हैं, बातचीत करते हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा ये प्रिंट मीडिया को अरबों रुपए के इश्तेहार दे दें, जो मर्जी है दे दें, इश्तेहार से या SIFC से या DIFC से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एक चीज से इन्वेस्टमेंट आएगी, आईन और कानून की बालादस्ती। और आईन और कानून की बालादस्ती जनाब स्पीकर तब आएगी जिस वक्त आप आईन और कानून के दायराकार में रहते हुए कोई भी आईन साजी करना चाहें तो उसके अंदर रह के करें, ना कि आप स्टेट के औजार। मैं फिर वो आर्टिकल आपको पढ़ के सुना देता हूं जहां पे स्टेट की डेफिनेशन, आखिर में मैं बात करूंगा रियासत होती क्या चीज है। रियासत है मजलिस शूरा, ये ऐवान और सामने सेनेट हमारे, और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबलियां, और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार दिया हुआ है इस आईने पाकिस्तान में, बाकी जितने इदारे हैं चाहे वो आपकी रेंजर्स हो, चाहे आपकी पुलिस फोर्स हो, चाहे आपकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो, चाहे आपकी मुसल्ला फौज हो, चाहे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो।